हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया अहमद। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी रेसिपी वेज पिज़्ज़ा बनाने की। अगर आपके घर में अवन या माइक्रोवेव नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ईस्ट नहीं मिल रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम घर में पिज़्ज़ा बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ करके बना सकते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो जिन इंग्रेडिएंट्स की हमको ज़रूरत है वो है 1 कप मैदा, आधा कप दही, पिज़्ज़ा सॉस, ये आपको कहीं भी आराम से मिल जाएगी, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये हमको चाहिए। अब सबसे पहले एक बोल ले लेंगे और उसमें अपना 1 कप मैदा ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद उसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1 चुटकी नमक ऐड करेंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको नीड करना यानी गूंदना स्टार्ट करेंगे। अगर पानी भी आपको ज़रूरत है तो आप पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, वरना दही इनफ होता है। 4-5 मिनट नीड करने के बाद देखिए मेरा आटा यहाँ पर मैदा यहाँ पर कम्प्लीटली गूंद गया है। अब इसको हम लोग डस्ट करेंगे। थोड़ा सा मैदा लेकर इसको चारों तरफ से बहुत ही अच्छे से डस्ट कर लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से। देखिए यहाँ पर अब कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अब इसके हम 2 पीसेस कर लेंगे। ये रेसिपी 2 पिज़्ज़ा बनाने की है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसके 2 पीसेस करे हैं और अब इसको मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। इसका एक सर्कुलर सा पेड़ा बनाइए और इसको बेलना स्टार्ट करिए। ध्यान रहे बहुत पतला बिल नहीं बेलना है, लगभग थोड़ी मोटाई तो आपको इसमें छोड़नी है, जितनी पिज़्ज़ा बेस की होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर मेरा बेस कम्प्लीटली रेडी हो गया है। अब हम लोग अवन की प्रिपरेशन करेंगे। अवन बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रख दिया है और उसका लिड ढककर मैं उसको 5 मिनट के लिए हीट होने दूंगी, जो हमारा अवन बन जाएगा। देखिए 5 मिनट के बाद ये बहुत अच्छे से हीट अप हो गया है। अब इसमें ऑयल ब्रश अप करेंगे। इसी तरीके से आप थोड़ा सा ऑयल ब्रश अप कर दीजिए। उसके बाद अपना पिज़्ज़ा बेस इसमें डालते हैं और 1 मिनट के लिए लिड ढककर इसको नीचे से पकने दें। देखिए 1 मिनट हो गया है। अब इसको हम लोग पलटेंगे। देखिए हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, जो कि हमको चाहिए था। अब इसके ऊपर जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो पूरी तरीके से इवेंटली स्प्रेड कर देंगे। हाँ, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो मैं बहुत इजी रेसिपी आपको घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनाने की बता सकती हूँ। आप 2 टमाटर ले लीजिए, उनकी छिलके उतार कर उनको ग्राइंड कर लीजिए। उसमें थोड़ा सा ऑरिगैनो, थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा केचप डाल के उसको 5 मिनट तक की बहुत अच्छे से हाई फ्लेम पर गैस पर पका लीजिए और आपकी पिज़्ज़ा सॉस घर पर रेडी हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है घर पे पिज़्ज़ा सॉस बनाने की। अगर आपको बाहर से नहीं मिल पा रहा है तो आप घर में भी बहुत इजीली पिज़्ज़ा सॉस बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इवेंटली पूरे बेस पर पिज़्ज़ा सॉस को लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम लोग अपने वेजिटेबल्स जो लिए हैं वो स्प्रेड करेंगे। मैंने अनियन और टमाटोज, कॉर्न और कैप्सिकम ले रखा है। मैंने सारे वेजिटेबल्स को डिफरेंट साइजेस में काट के रखा हुआ है। आपके अपने मनपसंद टॉपिंग्स ले सकते हैं, मशरूम ले सकते हैं, आप ऑलिव्स ले सकते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के
होते हैं, आपको जो भी पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और अगर आपको वेजिटेबल्स ही नहीं पसंद है तो आप सिंपल मार्गरीटा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं विदाउट एनी वेजिटेबल्स। देखिए मेरा पिज़्ज़ा यहाँ पर कितना कलरफुल तैयार हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स येलो ग्रीन वाइट रेड अलग अलग कलर्स बहुत अच्छे से पॉपअप होके आ रहे हैं। और फिर फाइनली मैंने यहाँ पर प्रोसेस्ड चीज़ को ग्रेट करके रख लिया था और उसको मैं ऊपर से स्प्रेड कर दूंगी। आपको चीज़ की क्वांटिटी अच्छी खासी रखनी पड़ेगी क्योंकि चीज़ जो होती है पिज़्ज़ा की एकदम वो मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो आप चीज़ में कोई कंजूसी मत करें और बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दें चीज़। देखिए मैंने चीज़ पूरा स्प्रेड कर दिया है, अब इसके ऊपर मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा मिर्चा नहीं पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स अवॉइड भी कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर से ओरिगैनो, और लास्ट में दो तीन चुटकी मैं इस पे ब्लैक पेपर डालूंगी। उसके बाद इसके लिड ढककर इसको 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। देखिए 5 मिनट के बाद पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसको पिज़्ज़ा कटर से मैं कट कर लूँगी। देखिए हमारा यहाँ पर मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा रेडी हो गया है, अब इसको मैं सर्व करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसको प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करें और ट्राई ज़रूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।